जो रामायण के टाइम में रावण था ना, उसका यह ससुराल है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर गाइज डूइंग गुड। आज है हमारा सेकेंड डे इन जोधपुर। हम कल आए थे लेकिन कल कुछ काम होने की वजह से हम कुछ थोड़ा बहुत भी घूम नहीं पाए, लेकिन अभी हम निकले हैं। सुबह के 11 बजे हैं, अभी हम जा रहे हैं मंडोर, और वो रावण का ससुराल भी है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है और पुरानी पुरानी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। अभी हम जाएंगे सिटी बस के पास, तो हमें सिटी बस थोड़ा दूर जाने पर ही मिलेगी। चलो गाइज, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर सिटी बस आती है। तो वहाँ पर जब मैं कल आया था तो वहाँ पर मुझे उतारा था सिटी बस ने, तो अभी यहाँ से आएगी सिटी बस। टैक्सी से भी जा सकते जाए या नहीं? टैक्सी लेट पहुँचा, लेट है। जोधपुर में सिटी बस की सुविधा है जैसा कि मुंबई में है। हमारी सिटी बस आ चुकी है, 7 नंबर। मंडोर 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 का ही पता है मुझे, तो रावण का सासरा है। तो गाइज, अभी पूरी सिटी बस खाली हो चुकी है, देखो। तो गाइज, फाइनली बस ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है, और अभी यहाँ पे देखो सामने है मंडोर उद्यान। कितना साल हो गया देखो? मुझे करीबन 4 साल हो गए। जो रामायण के टाइम में रावण था ना, उसका यह ससुराल है। उसकी बीवी का नाम था मंदोदरी, और मंडोर का नाम पहले दूसरा था, क्योंकि मंडोदरी रानी थी यहाँ की, यानी कि क्वीन थी, सॉरी क्वीन क्या, प्रिंसेस थी। तो प्रिंसेस को शादी हो गई वहाँ पे श्रीलंका में, और मंडोदरी नाम से मंडोर नाम रखा गया। अभी हम मंडोर उद्यान में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही बड़ा है, घूमने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, तो चलो अभी देखते हैं। यहाँ पर कितने मस्त मस्त फूल है, वाइट एंड रेड कलर के, और यहाँ पर पूरा पार्किंग का एरिया है। तो यहाँ पर देखो एंट्री पर ही इतना मस्त सीन दिख रहा है। सामने जाएंगे तो अजीत पोल आएगी, आगे यहाँ पर म्यूजियम भी है, प्ले एरिया भी है, देवल्स यानी मंदिर भी है। तो चलो अभी हम जाएंगे सामने, जो अजीत पोल और संग्रहालय का रास्ता है। तो गाइज, ये रास्ता है ना जो पहाड़ की ओर जाता है, ऊपर जब हम जाएंगे ना तो हमें पहाड़ पे जाना है। अभी सामने बहुत ज्यादा ढलान भी है, पीछे मंदिर है। बोला जाता है रामायण को 5000 साल हो चुके हैं, तो देखते हैं 5000 साल पुराने मंदिर कैसे है। वो देखो गाइज, वहाँ पर है देखो मंदिर, जो की बोला जाता है रावण के टाइम के है या नहीं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बातें सुनी है हमने भी। में जो बड़े बड़े फेमस लोग थे पुराने टाइम में, रामदेव जी, बाबू जी वगैरह, उनकी यहाँ पर सभी की मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ पर आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि गेट बंद है। जो भी सारी मूर्तियां थी वो कांच के अंदर पैक है, तो हम अंदर जाके उनको नहीं देख सकते। आगे और भी बहुत सारी मस्त मस्त चीजें हैं। म्यूजियम का कितना? 15 है, 50 पे कर देंगे। चलो, तो यहाँ पर है मंडोर का म्यूजियम। यहाँ पे भाई टिकट का जुगाड़ बिठाते हुए, यहाँ पर सामने मेन गेट पर ही बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे दोनों भाई लगे हुए हैं आइडेंटिटी कार्ड ढूंढने में क्रोम पर। रियल में तो है नहीं, तो क्रोम पे जुगाड़ बिठा रहे हैं। तो गाइस, हमने टिकट का तो जुगाड़ यहाँ पर बिठा दिया है, हमने टिकट ले लिया। यहाँ पर देखो, बोला था डाउनलोड कर लिए थे तो चल गए। गाइस, मैंने बोला था ना जुगाड़ बिठा दूंगा। वाह ब्रो वाह, प्लान सक्सेसफुल गाइस। सिक्का डाल दे, पूरी हो जाएगी। बहुत सारे सिक्के हैं इसके अंदर। अंदर गए थे लेकिन कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पुरानी 8वीं शताब्दी 4वीं शताब्दी की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, शिलालेख हैं, जो मैंने बहुत सारे पढ़े क्योंकि मेरे सब्जेक्ट भी आर्ट्स ही है। तो गाइस, हमने यहाँ पर जो सीन था वो सब कुछ देख लिया है, जो भी आर्किटेक्चर की चीजें थी पुराने जमाने की। तो अभी हम जा रहे हैं पहाड़ की साइड, ऊपर यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं। देखो, फिसल भी सकते हैं, आराम से आना है। तो यहाँ पे देखो पूरा मंडोर दिख रहा है, ये पूरा रावण का ससुराल है। यहाँ पे छोटी सी एक खाई है। जब हम 3-4 साल पहले यहाँ पर आए थे ना, तो वहाँ पर सामने एक जगह है, वहाँ पर हमने अपने नाम लिखे थे, तो अभी सामने जाके देखते हैं वो नाम अभी तक है या नहीं। 3-4 साल पहले लिखे थे, तो अभी होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है।
कोरने चाहिए, मेरा लिखा था जीत। तो गाइज अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमने 3-4 साल पहले नाम लिखे थे। तो यही वो जगह है जहाँ पर हमने अपने फोटोशूट किए थे और यहाँ पर हमने अपने नाम लिखे थे, जो अभी नहीं है। नाम तो नहीं है, अभी हम वापस से जा रहे हैं। सामने बहुत सारी छतरियाँ वगैरह दिख रही है, तो वहाँ पे जाते हैं। और सामने लेक भी है छोटी सी। तो यहाँ पर अभी तो पूरा खंडर टाइप हो चुका है और यहाँ से मंडोर का बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। वहाँ से हम घूम के आ चुके हैं, वहाँ पर अपने नाम लिखे थे जो हमें नहीं मिले। सामने यहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पे भी हम जा सकते हैं लेकिन इतना नहीं जाएंगे। जब पुराने समय में था तो यहाँ पर पूरा महल वगैरह हुआ करते थे, अभी तो पूरा खंडर टाइप हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर एक छोटी सी लेक है लेकिन यहाँ पर जो पानी है पूरा काला काला गंदा हो रखा है, तो इसमें शायद ही कोई मछली होगी, है ना? मछली हो सकती है। वो देखो पूरा कचरा टाइप जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, इसके अंदर जाने का ट्राई करते हैं। इससे ज्यादा ऊपर हम नहीं जा सकते, पूरा बंद है यहाँ से। तो सबसे ज्यादा फोटोशूट हमने वहीं पे किया, आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। यहाँ पर पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, इसका मतलब किसी टाइम में यहाँ पर भी पहाड़ थे, उनको काट के यहाँ पर रोड बनाई गई। ओ भाई ये मंदिर कितना मस्त दिख रहा है देखो। तो गाइज यहाँ पर मेन बड़े बड़े मंदिर दो ही है, एक ये है और एक ये है। ऐसे मंदिर ओनली द्रविड़ शैली से ही बनते हैं। इस तरह के जो मंदिर होते हैं ये ज़्यादातर तमिलनाडु साइड होते हैं। आपको पता ही होगा जो रावण था वो श्रीलंका से था, तो साउथ साइड में ऐसे मंदिर होते थे। एक ये है, एक मेरे पीछे। हम जब ऊपर गए थे तो वहाँ पर ऐसा कुछ खंडर वंडर जैसा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पे बहुत ही मस्त व्यू दिख रहा है, मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। जस्सू और विकू दोनों गए रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट जाने का रास्ता है, जल्दी जल्दी से जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा। हमने शुरुआत वहाँ से की थी, फिर हम चारों ओर घूमे यहाँ पर पीछे से पूरा, फिर वहाँ से आए हम। मैंने यहाँ पर ये पहाड़ भी आपको दिखाए थे पहले। तो चलो गाइज ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत ही मस्त जगह है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितनी मस्त यहाँ पर वाइब आती है रात को और शाम को। तो चलो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय कर दो, बाय।